Hi everyone, welcome to my channel Food My Lifeline. Do like, share and subscribe. Ring the bell icon to stay updated. आज हम बनाने वाले हैं मेरे किचन में पिंक सॉस पास्ता. कुछ लोग इसे मिक्स सॉस पास्ता कहते हैं और कुछ लोग पिंक सॉस. तो सबसे पहले मैंने स्पेगेटी पास्ता को बॉईल करने के लिए रख दिया है और कुछ टोमेटोज भी हमने उसे उबालने के लिए रख दिया है. जब तक ये दोनों हो रहे हैं, क्यों ना थोड़े से अनियंस यानी प्याज काट लिए जाएं. देखिए, एक सब्ज़ी या हर एक खाने को अगर आप प्यार से बनाएंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा. और हर एक सब्ज़ी में कुछ एक्सपेरिमेंट तो खुद कर ही लेना चाहिए. ये कुछ अलग तरीके का सॉस है. इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं डालिए वो नहीं, जो मन करे जैसा मन करे डालिए और खाइए. ये आपका किचन है और एक्सपेरिमेंट करना हम सब फूडी की आदत होती है. तो क्यों नहीं हम शुरू करें आज पिंक सॉस पास्ता. एक बारी आपने ये प्याज छोटे छोटे काट लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे थोड़े से गार्लिक. यहाँ पे मैंने एक जन के हिसाब से पिंक सॉस पास्ता यानी कि मिक्स सॉस पास्ता बना रही हूँ. तो अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप उस तरीके से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं. आपको अच्छे से मिक्स कर लें और डालें नमक स्वाद अनुसार. ये मेरा तरीका है सॉस बनाने का और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. ऐसे जहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चॉप करी हुई हैं, नहीं पसंद है तो आप इसे मिक्सी में पूरी तरह ग्राइंड भी कर सकते हैं एक चटनी जैसे टेक्सचर देने के लिए. पर मुझे ये ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा चॉप किया हुआ. तो मैंने यहाँ पे अनियन और गार्लिक चॉप करके टोमेटोज़ के साथ ही मिक्स कर दिया है. इसमें डालें थोड़ा सा लाल मिर्च. देखिए, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है. अब क्योंकि ये पिंक सॉस पास्ता है तो यहाँ पे क्रीम भी पड़ेगी आगे जाके और हम इसमें थोड़े सा मिर्च भी डालेंगे. तो अगर आपको वाइट सॉस पास्ता पसंद है तो आप मिर्च कम रखिएगा और पिंक सॉस में वाइट सॉस वाले का फ्लेवर ज़्यादा आएगा. और अगर आपको रेड सॉस पास्ता पसंद है यूजुअली तो क्रीम कम डालिएगा. देखिए, ये सब तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक्सपेरिमेंट करिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा. अब हम इसमें डालेंगे चीज़, क्योंकि ये पिंक सॉस पास्ता है और मुझे मेरी सारे ही खाने में ना चीज़ बहुत पसंद है. तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दिया जाए, एक जो फ्लेवर आएगा निकल के बहुत अच्छा होगा. अब हम डालने जा रहे हैं इसमें क्रीम. तो क्रीम आप उतनी डालें जितना आपको पसंद है. थोड़ा सा मीठा हो जाएगा अब ये सॉस. तो अगर आपको स्पाइसी बहुत पसंद है तो क्रीम कम डालिएगा पिंक सॉस में, और अगर आपको मीठा पसंद है तो क्रीम ज़्यादा डाल सकते हैं. फ्लेवर्स के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़े से ओरिगैनो. और ये हर एक इटालियन डिश की जान होते हैं चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो. तो इनके बिना आपको मज़ा ही नहीं आएगा. वो एक जो फ्लेवर है. जब तक वो सॉस बन रहा है धीमी आंच पे, हम अपनी स्पेगेटी चेक कर लेते हैं कि वो बॉईल हुई है या नहीं. और हमें लगता है कि यहाँ पर ये बॉईल हो चुकी होगी. आप इसको धीमे से चम्मच से निकाल के चेक कर सकते हैं कि अगर ये अच्छे से नूडल पास्ता के तरीके से होते हैं ये, तो अगर ये अच्छे से गल गए होंगे तो ये आराम से चम्मच से दब जाएंगे, कट जाएंगे. क्योंकि अगर ये नहीं गले तो फिर आप कितना भी अच्छा सॉस बना लें आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा. तो एक बार हम इसे तेज़ आँच पर उबाल लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कसर ना रहे. और इसे एक बड़ी छन्नी में छान लीजिए. ध्यान रहे बिल्कुल जलिएगा नहीं. और इसको छानने के बाद एक बार ठंडे पानी से निकाल दें और थोड़ी देर छोड़ दें. आइए करते हैं प्लेटिंग. देखिए, कोई भी खाना कितना भी अच्छा हो, अगर वो सुंदर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, अगर उसकी प्लेटिंग नहीं हुई है अच्छे से, तो हमें मन ही नहीं करेगा वो खाने का. तो बहुत ज़रूरी है कि जितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया उतने ही अच्छे और स्वादिष्ट तरीके से हम उसे खिलाने वाले को दें भी सजा के. पर हम इसमें पास्ता रखेंगे, फिर डालेंगे ऊपर से सॉस खूब सारा जो हमने बनाया है. सॉस रेडी हो चुका था और अब और चीज़ स्लाइस.
और ये लीजिए, तैयार है आपका मिक्स सॉस पास्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग फूड माई लाइफ लाइन।